गया ये जहां, सो गया आसमां। जाते वक्त तो बड़ा हल्ला मचा रखा था इन लोगों ने। ओए ओए खड़े हो जाओ सारे के सारे, बेफालतू में सो रहे हो, मुझे भी नींद आएगी फिर। हाँ तो तू भी सो जा। मैं सो जाऊं? अरे भाई नहीं, तू मत सोइए, ये तो पागल है। हाँ तू गाड़ी चला, गाड़ी चला। हाँ तो फिर अब कोई नहीं सोएगा, समझे? मुझे भी नींद आ रही है तुम्हें देख के। और जब ट्रिप पे जा रहे थे, जब तो तुम बड़े मजे ले रहे थे, गाने वाने सुनते हुए जा रहे थे, अब क्या हुआ, अब क्यों सो रहे हो? अगर अब कोई सोया ना तो मैं भी सो जाऊंगा। अच्छा तू मत सोइयो वरना हम सब सो जाएंगे। हाँ तो बस अब घर तक कोई भी नहीं सोएगा, चुपचाप मेरे साथ जागो वरना मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। भाई यार भूख लग रही है, कहीं ढाबा मिले ना तो रोक लियो वहाँ पे। हाँ यार भूख तो मुझे भी लगी है। हाँ भाई प्लीज रोक ले। भूखड़ो लग गई भूख तुम्हें? सोते हैं खाते हैं, गाड़ी मैं चलाता रहूं, इनका ड्राइवर मान लिया, रोक दूंगा कहीं ना कहीं। मतलब हो जा जरा, मतलब कुछ बात गलत ही हो, सूरज डूबा है यारों दो घुट नशे के मारो रस्ते। भाई खाना बिल्कुल बढ़िया था इनका, मजा आ गया, मेरा तो फुल पेट भर गया। ओए पेट तो भर गया, अब जाके बिल भी पे करके आ जा। बिल पे करके आऊं? वो भी मुझे करना है। हाँ और कौन करके आएगा। चलो कोई नहीं, अभी मैं कर देता हूँ, लेकिन बाद में दे देना मुझे, ठीक है? हाँ भाई दे देंगे, कंट्री कर लेंगे। हाँ कंट्री करेंगे। बड़ा ही कंजूस है यार ये तो। अरे कोई नहीं, दोस्ती तो है अपना। अबे भाई वो बिल तो ले ही नहीं रहे। क्या बात कर रहे, पैसे नहीं ले रहे यार। एक काम करते हैं और भी ऑर्डर कर लेते, कुछ जल्दी जल्दी बोलो। ओए आइसक्रीम करा, आइसक्रीम। ओ रुक जाओ, और ऑर्डर कर लेते हैं, पहले जो खाया है ना उसका पे कर दो। ये सिर्फ कैश ले रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे। कैश दो, चलो निकालो। मेरे पास 2 रुपए पड़े हैं। मैं तो ATM कार्ड ही लाना भूल गया, सॉरी भाई सॉरी। भाई 10 रुपए पड़े हैं बस। इतना ठूस ठूस के खा गए, अब पैसे है नहीं है। हाँ तो तू तो ऐसे बोल रहे जैसे तेरे पास पैसे हैं, तू भरा ना। हाँ तो ऑनलाइन तो है ना, उन्होंने लिए नहीं वो तो। अब क्या करेंगे? तो फिर तो एक काम करना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे अब। मैं नहीं मांजूंगा बर्तन, तू मांज दियो। मैं भी नहीं मांजूंगा भाई, मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना। भाई तेरे से बर्तन नहीं धुआएंगे, तेरे से पोछा लगवाएंगे। हाँ तू पोछा लगा दियो। यार अगर ये पता होता ना ये कैश ले रहे हैं ऑनलाइन नहीं ले रहे, तो कुछ खाते ही नहीं, बेफालतू में खाया इतना। अबे यार हम क्या करेंगे, बर्तन मांज लेंगे। बर्तन? अरे बच्चों बर्तन मांजने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बिल हो गया। बिल हो गया? कैसे हो गया, कहाँ हो गया? अरे मैंने पेमेंट कर दी। आपने पे कर दिया? पर आपने क्यों पे किया? क्योंकि मेरे पास कैश था। आपके पास कैश था? ओह अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, पेटीएम वगैरह तो मैं भी नहीं चलाता। आप भी पेटीएम नहीं चलाते? अबे शिट यार, मतलब हमें रेस्टोरेंट छोड़ के अब अंकल के घर पोछा लगाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मेरे घर पोछा लगाने की भी जरूरत नहीं है। हैं? तो फिर हम आपको पैसे कैसे देंगे? अरे नहीं बेटा, क्या पता कब कहाँ और किसको मदद की जरूरत पड़ जाए। जैसे अब तुम्हें मदद की जरूरत थी मैंने तुम्हारी कर दी, कल किसी और को मदद की जरूरत होगी तो तुम उसकी कर देना। बेटा करो एंजॉय। सही हो गया यार, आज तो प्री का खा के मजा ही आ गया। हाँ भाई प्री का तो मिल गया, मजा आ गया। वैसे यार मेरी मम्मी कहती है फ्री का ना हजम नहीं होता, तो फ्री का नहीं खाना चाहिए। दस तो लग सकते हैं, हमें पैसे देंगे अंकल के वापस हम। हाँ चल झूठे, तेरी मम्मी तो हमारे घर से खुद मांगने आती है चीनी। हाँ कल मेरे घर पे दूध मांगने आई थी। अरे इसका पूरा खानदान भंडारे में से खाता है। बबो फालतू बकवास मत करो समझे, मैं एक जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, बस अंकल के पैसे हमें वापस करने चाहिए, देखना। अरे अंकल तो अकेले बैठे हैं, कोई है ही नहीं उनके साथ।
ओह बेचारे ऐसे लग रहा है लोनली लोनली फील कर रहे हैं। हाँ सैड फील कर रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है सैड हो रहे हैं अंकल। अरे तो एक काम करो ना, उन अंकल को भी यही बुला लो हमारे साथ। हाँ यार ये सही कह रही है, उनको यहीं बुला लेते हैं, देखना वो कितना सैड फील कर रहे हैं। उन्होंने इतना मोटा बिल पे किया, अब इस बिल के बदले में हम उन्हें थोड़ी सी हंसी दे देते हैं, खुशी दे देते हैं ना। हाँ। है, हमारा तो काम ही है हंसी बांटना। बिल्कुल सही, बुला ले बुला। अरे अंकल वहाँ अकेले क्यों बैठे हो, हमारे साथ आ जाओ ना आप भी। नो नो यू गाइस एंजॉय। कैसी बात कर रहे हो अंकल, क्या एंजॉय, आपके बिना कैसा एंजॉय, आ जाओ ना आप भी। आर यू श्योर? हाँ साथ में एंजॉय करेंगे, आ जाओ, पर चेयर अपनी लाना। इधर आओ अंकल, इधर बैठो अंकल। अरे अंकल सबसे पहले आपको थैंक यू इतना मोटा बिल पे करने के लिए। मेंशन नोट बेटा। वैसे तुम लोग यहाँ कैसे? मैं बताता हूँ अंकल, हमारे ना अभी पेपर खत्म हुए थे, तो ये जो पेपरों की छुट्टियाँ होती है ना पेपरों के बाद, इनमें हमें चुल मच जाती है बाहर घूमने की। अब घूम घाम के हम वापस घर को जा रहे थे, जाते जाते इसको मोटे को भूख लग गई तो यहाँ रुक गए। अब इन नंगड़ों के पास पैसे नहीं थे ये मुझे नहीं पता था। अबे वो तेरे पास थे? चुप। वैसे हम कहाँ थे अंकल? बेटा तुम्हारे पास भी पैसे नहीं थे। सॉरी अंकल। मम्मी का फोन आया, मम्मी का। अंकल मैं अभी बात करके वापस आया, ठीक है? अंकल बहुत बड़ा फेंकू है ये। वैसे अंकल आप स्मार्ट लग रहे हो मुझे। थैंक यू बेटा। वैसे तुम बच्चों के लिए मेरे पास कुछ है। क्या है अंकल, क्या है? लड्डू खाओगे? हाँ अंकल। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम चिद्दी है। चिद्दी। हो गई बात। अंकल अभी हम निकलते हैं, मम्मी ना बहुत गुस्सा थी, कह रही थी जल्दी घर आओ। भाई निकलते हैं, मम्मी गुस्सा है। चलो चलो चिद्दी बेटा। तुम्हें प्यास लगी होगी ना, एक काम करो पूरी पी जाओ इसे। उल्टी कर रहा है, जल्दी आ जाना भाई। चिद्दी बेटा ठीक हो ना तुम? हाँ वेरी गुड। अब जैसे ही घर पहुंचो इन तीनों को एक एक थप्पड़ मारना जोर से। ठीक है, ठीक है बेटा, बाय। अबे यार ये क्या है?
अरे आ जाना भाई। क्या है अबे तू, है क्या मतलब, तू पहले खाता जाता है फिर उल्टी ज्यादा करता है, इससे अच्छा मत खाया अगर। क्या कह रहे थे वो अंकल? अरे कुछ नहीं, वो अंकल हेल्प करने आए थे बस मेरी। ठीक है चलो चलें। ठीक है, और हाँ अब मैं कहीं नहीं रोकूंगा, गाड़ी सीधा घर रोकूंगा। ठीक है, ओ वैसे एक बात सुनो मेरी, मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है, पता है, घर जाने के बजाय फार्म हाउस पे चलते हैं, अभी तो 2 दिन की छुट्टी बाकी है। हाँ सही आइडिया है। हाँ हाँ चल। हाँ चलते हैं ना। सही है। हाँ अब एक्साइटेड हो जाओगे तुम जाने के लिए, अभी तक तुम्हें नींद आ रही थी। ये देखो हमारा फार्म हाउस पहुंच गए फाइनली। अबे तूने हम तीनों को थप्पड़ क्यों मारा? भाई पता नहीं अंदर से एकदम से फीलिंग्स आई कि तुम तीनों को एक एक थप्पड़ मार दूं, इसलिए मैंने मार दिया। फीलिंग आई तेरी फीलिंग की ऐसी तैसी, चलो इसको पेलते हैं पहले। चल भाई पार्टी करेंगे बाद में, अब हमें पीला ले। रुक खा जा रहा है, रुक ना रुक ना। अरे अरे रुक रुक, तेरे को मारता हूँ। पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। एक मिनट, ये तो वही अंकल है ना जो ढाबे पे थे। यार, लेकिन ये अंकल यहाँ कर क्या रहे हैं? हाँ, हमारे फार्म हाउस का इनको कैसे पता चला? कहीं तूने तो एड्रेस नहीं दे दिया फार्म हाउस का? नहीं नहीं मैंने नहीं बताया। कहाँ पीछा करते हुए आ गए होंगे, कहीं ये पैसे लेने तो नहीं आए? हाँ। चलो पूछते हैं इनसे। है? अरे अंकल आप अंदर कैसे आ गए? दरवाजे से। तुम लोग कहाँ से आए थे? आए तो गेट से ही थे। अरे हमारा मतलब है कि आपको एड्रेस का कैसे पता चला, यहाँ कैसे आए आप? चिद्दी चिद्दी इसने बता, तू तो मना कर रहा था। उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया था। तुम बताया, अब पैसे देने पड़ेंगे ना। अंकल क्या आप पैसे लेने आए हो क्या आप? पैसे कर दी ना बेटा छोटी बात। पैसे नहीं लेंगे। वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है तो मुझे चार्जर चाहिए। अच्छा चार्जर चाहिए आपको, अभी लाके देता हूँ अंकल मैं, आप बैठो। जाओ अंकल के साथ बैठो, बैठो अंकल आप, चल चल चल। अबे यार बोल ना अंकल को, अब तो फोन चार्ज हो गया होगा, जाए यहाँ से। रुक जाना, हो जाएगा थोड़ी देर में चार्ज, फिर चले जाएंगे। वैसे भी उन्होंने हमारी हेल्प की थी, अब हमारा भी फर्ज बनता है उनकी हेल्प करना। मुझे लगता है अंकल का फोन स्लो है। चुप रहे अंकल, हुआ कुछ चार्ज? देखना बेटा रहता है अभी। अच्छा रहता है, कोई नहीं, हो जाएगा अंकल, हो जाएगा थोड़ी देर में हो जाएगा। अबे देख ना ये अंकल कैसे रेस्ट कर रहे हैं, हमें पार्टी भी करनी है यार, बोल इनसे फोन उठाए और जाए यहाँ से। हाँ पार्टी के लिए लेट तो हो रहे हैं यार। जम के बैठ गए हैं। अरे अंकल आप चले जाओ ना, लेट हो रहे होगे, फोन भी चार्ज हो ही गया होगा, देखो अंधेरा होने वाला है। बेटा बोला ना अभी फोन चार्ज होना रहता है। कोई नहीं अंकल, हो जाएगा फिर थोड़ी देर में, थोड़ी देर और लगेगी। अच्छा सिद्धि बेटा तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? पार्टी करने अंकल। अबे ये तो नहीं बताना था, क्यों बताया? अंकल ने पूछा तो मैंने बता दिया। अच्छा बिल्कुल भैया सही में सिद्धि। हाँ
भाई उन अंकल ने हमारी मदद की थी, वो पैसे दिए थे, वो तुझे नहीं देने। तू ये सोच के उनकी बातें मत मान कि तेरे को पैसे देने हैं, ठीक है? भाई जो ये बोल रहे हैं ना, वो करने का मन कर रहा है मेरा। हैं? ये क्या बात हुई? बेटा चिद्दी, घर वालों को पता है तुम लोग यहाँ पार्टी करने आए हो? हाँ हाँ अंकल, घर वालों को तो पता के ही आएंगे, पार्टी करने आए हैं तो। नहीं वे क्या है, सच क्यों बता रहा है? झूठ नहीं बोल सकता तू। मैं इनके आगे झूठ नहीं बोल सकता। तो एक काम कर सिद्धि बेटा, अपने घर पे फोन लगा और बता कि तुम लोग फार्म हाउस आए हो पार्टी करने के लिए। अबे यार रोक ले उसको। अरे इनके कहने से लगा लिया उसने फोन, अपने पापा से पता कितना डरता है वो। फोन निकाल लिया उसने। हाँ तो क्या हो गया, मिलाएगा थोड़ी। पाइप मिला दिया। अबे यार पागल है कि तू घर वालों को फोन क्यों लगा रहा है? अंकल ने जो बोला है वो मुझे करना होगा। अरे अंकल बोलो ना, इसको रोको, ये घर फोन लगा देगा, हम पिटेंगे। शांत सिद्धि बेटा शांत, फोन करने के लिए रहने दो। एक काम करो तुम्हें ना, इन तीनों के फोन कलेक्ट कर लो। ठीक है अंकल। हाँ हाँ फोन रख लो, पर फोन नहीं करेगा घर पे तू। ये ले। हाँ भाई फोन दे दो, ये घर कॉल नहीं करेगा फिर। सही, आराम से पार्टी कर सकते हैं ना फिर। ये लो। अच्छा अब कुछ मत बताइए ठीक है अंकल को। देख यार अब ना बहुत हो गया है, इन अंकल को बोल अपना फोन उठाएं और निकले यहाँ से, हमें पार्टी भी करनी है। देख हाँ बात तो तेरी सही है, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे, ये फालतू में पूरी रात खराब हो जाएगी। अब तो सीधा सीधा बोलना ही पड़ेगा यार। अंकल अब हो गया बहुत, देखो बहुत देर हो गई, आपका फोन फुल चार्ज हो गया होगा, चलो फोन उठाओ और निकलो अब। क्या जाजा लगा रखा है बेटा, तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया क्या? मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, यहाँ रहने के लिए आया हूँ। रहने के लिए आए हो? फार्म हाउस तो हमारा है, हमसे पूछा आपने, रहने के लिए आ गए। मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। अरे वाह, फार्म हाउस हमारा है और अकड़ ये दिखा रहे हैं। देखो अंकल अपना आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, हम लास्ट बार बोल रहे हैं फोन उठाओ निकलो यहाँ से, हमें पार्टी भी करनी है। हम नहीं रखने वाले आपको, जाओ यहाँ से। अरे अंकल देखो वो थोड़े से पैसे देगा, आप ये पूरा फार्म हाउस हड़पने की मत सोचो, हम पैसे दे देंगे आप निकलो। मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई बहुत हो गया यार, अपने फार्म हाउस पे आके अकड़ दिखा रहा है गुड्डू, एक बार आइयो जरा, ऐसे कैसे नहीं जाएगा। अब इस बुट्टे को मैं दिखाता हूँ, चल खड़ा चल। रोको मुझे, हटो। अंकल ने बोला ना कि अंकल नहीं जाएंगे यहाँ से। भाई तेरे को हो क्या गया है? चलो बेटा। वेरी गुड बेटा चिद्दी। अभी भाई क्या दिक्कत है तेरे को? हाँ अभी फेंक देते इसको बाहर उठा के और फिर पार्टी करते हैं, क्यों रोका? भाई रोकना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन जब जब अंकल मुझे बोलते हैं ना तो मेरा वो करने का मन करता है। ए? कैसी बातें कर रहा है ये, पागल वागल हो गया क्या तू? हाँ पार्टी नहीं करनी क्या तेरे को? करनी है तो इसको भेजना। क्या दिक्कत क्या है ये, अंकल से साफ साफ ही पूछ ले तो। ओए अंकल क्या दिक्कत है, ये आपकी बात कैसे मान रहा है? क्या बेटा सीधा मुझसे ही आंसर पूछ रहे हो, है टीचर से पूछता है कोई? थोड़ा बहुत दिमाग खुद का भी लगाओ ना। खुद का दिमाग? अरे तुम भी लगाओ थोड़ा सा। भाई मैं तो छुट्टी पे, मैं स्कूल का काम कैसे करूंगा? तू चुप बैठ जा बस। ए लड़की तू बिल्कुल सही सोच रही है, पर इसने तो कुछ बोला नहीं। अबे उससे पूछ के तो देखो। अंकल आपने इसके ऊपर काला जादू किया है? हाँ काला जादू। काला जादू? ओ तभी थोड़ा काला काला दिख रहा है कलुआ। हाँ हाँ अब ये मेरे वश में है, वशीकरण कर लिया है मैंने इसका। वो सब तो ठीक है अंकल, ये ऐसे करके आंख में उंगली मारोगे क्या? थोड़ा दूर से किया करो। बिल्ली हो क्या आप? और ये वशीकरण का क्या मतलब है? वशीकरण? वशीकरण का मतलब अब जो भी मैं इसे बोलूंगा ये वही करेगा।
इतना तगड़ा मजाक करते हो अंकल, कॉमेडी हो गए हो। ये अपने घर वालों की नहीं मानता, आपकी क्या मानेगा। अच्छा तो तुम्हें अब डेमो भी देखना है। डेमो? हाँ डेमो दिखा। चिद्दी बेटा खड़े हो जाओ, आओ आगे स्टेज पे। स्टेज कहाँ है? देखा झूठ बोल दी नहीं है। चिद्दी बेटा एक काम करो, अपनी कैप उतारो और टैट में दो चार थप्पड़ लगाओ, जोर से। ये थप्पड़ तो चॉकलेट के चक्कर में मारूंगा, चॉकलेट का लालच दिया होगा पक्का। अब जोर जोर से हंसो। जोर जोर से रो चिद्दी बेटा। बस अब एक काम करो, किचन में जाओ और आटा लेके आओ। अंकल अब इससे रोटियां बनवाएंगे क्या? पता नहीं, भूख तो लगी है। अब इस कच्चे आटे को खा जाओ। है अंकल, ये तो सही में आप जो बोल रहे हो वो कर रहा है। मैं बोलूं कुछ वो करवा दोगे? बोलो। कौन करो अंकल? अब है ना आप इसको बोलो कि नाक में उंगली डाले। नाक में उंगली डालो बेटा। अब ना अंकल इसको बोलो नाक से निकाल के मुंह में डाल ले। नाक वाली उंगली मुंह में डालो। अंकल अंकल अभी से बोलो ना कि टट्टी खाए टट्टी, चूज कर लेगा आपकी खाएगा या मेरी। तू ज्यादा फ्रैंक नहीं हो गया बेटा? शो नहीं चल रहा यहाँ जो तूने टिकट ले रखी है। रुक चिद्दी बेटा, जिस उंगली को तूने अपने होठों से चाटा है ना, उन्हीं होठों से इसको पप्पी कर दे, वो भी होठों पे। अंकल कैसी बातें करो, ना ना ऐसा नहीं करेगा चिद्दी, इतना तो भरोसा है मुझे। आ रहा है वो, बैठने के लिए आ रहा है पागल। पास आ गया भाई। ठीक है वो भाई, ये क्या कर रहा है टकला? अंकल एक बात बताओ, ये जो आपने जो भी पंगा रचा है वशीकरण वगैरह, क्यों रचा है? आपको चाहिए क्या ऐसा, ये बताओ। अब आए ना मुद्दे की बात पे, मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लेकर जाना? एक काम करो आप ले जाओ इसे, लेकिन कल सुबह तक छोड़ देना, क्योंकि हमें इसको घर छोड़ना है इसकी मम्मी के पास, वरना इसकी मम्मी हमारी टांगे तोड़ देगी। सिर्फ कल के लिए नहीं, इसको मैं अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेके जाऊंगा। हमेशा पागल हो गए क्या? इसके घर वाले हमें जान से मार देंगे, हमारे साथ ट्रिप पे आए ये, और हमारे दोस्त को हम कहीं नहीं जाने देंगे। बेटा जाने तो तुम दोगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और तुम्हारी परमिशन के बगैर मैं इसको लेकर जा नहीं सकता, और तुम्हें परमिशन तो देनी पड़ेगी। टाइम लगेगा अंकल, टाइम लगा लो कितना भी, हम नहीं जाने देंगे। हम भी देखते हैं आप इसको कैसे लेके जाते। अच्छा ठीक है फिर, जब तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है, प्यार से नहीं तो मार से। चिद्दी तुम्हें पता है ना इस घर में हथौड़ा कहाँ रखा है? वो हथौड़ा उठाओ और इस ग्रीन शर्ट वाले का सिर खोल दो। ना चिद्दी नहीं। भाई ये हथौड़ा निकाल रहा है। भाई तू क्यों डर रहा है इस मोटे से, इस गेंडे से, इससे पिटूंगा क्या मैं? अबे भाई रहने दे, तू मैं कह रहा हूँ छुप जा जाके। भाई मैं नहीं छुप रहा, अब तू देखियो मेरी पावर को, ठीक है? क्या है बेगंजे हैं?
अब ठीक है ना तू? हाँ, यार ये चिद्दी तो अपना पूरा उसको बैठा है, पूरी तरह से उसके वश में आ गया। उसने ये तक नहीं देखा यार उसका दोस्त उसके सामने है। सही कह रहा है तू, वो कुछ भी कर सकता है, बहुत खतरनाक हो गया है। अरे ये क्या? फोन? फोन? एक काम कर, जल्दी से ना पुलिस को कॉल कर दे। हाँ भाई, इसमें तो सिम ही नहीं है। अब हमारा मरना ना पक्का है। गुड्डू मेरा एक काम करेगा क्या? ओए, ओ चिद्दी, क्या किया तूने अभी? क्या चिद्दी चिद्दी लगा रखा है? मैंने बोला ना कि मेरा करने का कुछ भी मन नहीं है, लेकिन अंकल जो बोल रहे हैं ना, मुझे वो करना पड़ रहा है। तू पागल हो गया है क्या? वो हमारा दोस्त है, उसका तूने सर फोड़ दिया, बेवकूफ। और हाँ अंकल, आपको क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए ना? पैसों के लिए कर रहे हो ना ये सब? बताओ कितने पैसे चाहिए आपको? बस हमारे दोस्त को छोड़ दो और ये घर छोड़ के चले जाओ यहाँ से। ठीक है फिर, घर में जितने भी पैसे हैं, हीरे हैं, जवाहरात है, सब ले आओ। ठीक है, लेकिन फिर चले जाना यहाँ से। अभी लेके आता हूँ मैं। ये लो, इसमें ज्वेलरी, पैसे, सब कुछ है। तो अब निकलो यहाँ से। ठीक है। Finally, निकल गया घर से। भाई खड़ा क्या है, बैठ जा ना। चिद्दी, चिद्दी, मेरे को लग रहा है ये अभी भी उसी के बस में है। सॉरी, तुम लोगों ने क्या सोचा, तुम पैसे से मुझे खरीद लोगे? तुम इंसानों की है ना, यही प्रॉब्लम है। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो भगवान से भीख में पैसा मांगते हो, और जब पैसा मिल जाता है तो पैसे को ही भगवान मान लेते हो। पैसा, हवस, लालच, ये सब तुच्छ इंसानों के तुच्छ शौक हैं, कमजोरियां हैं, और ये कमजोरी मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं इंसान ही नहीं हूं, उससे बहुत आगे बढ़ चुका हूं। बच्चों, तुम्हें पता है आज की रात हजारों साल में एक बार आती है, और ये रात सिर्फ मेरे लिए आई है, उम्रा की रात। उम्रा, परछाई का वो काला हिस्सा जहां रोशनी की एक किरण जाने से पहले ही दम तोड़ देती है। बस कुछ ही घंटों की बात है, उसके बाद मैं ही रात होऊंगा, मैं ही सुबह होऊंगा, और मैं ही शाम होऊंगा। मैं कायनात तमाम होऊंगा। अहम देवो आभी, अहम अनंता, अहम ब्रह्मास्मि। तुम्हारे पास अब भी आखिरी मौका है, उसे मेरे साथ भेज दो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स ओके। आजाद नहीं करेगा तू, ये ले। आजाद कर मेरे दोस्त को, कर आजाद, कर, कर। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मेरे दोस्त को आजाद नहीं करेगा। ये ले, ये ले, ये ले। चिद्दी, अगर मैं पांच गिनने तक ये मुझे ना छोड़े ना, तो तू चाकू से अपना गला काट लियो। ओए, इसके पैर पकड़। एक,
दो, तीन, चार। ओए, वो अपना गला काट लेगा, हटो इसको, छोड़ो छोड़ो। चिद्दी चिद्दी चिद्दी, तुम्हारे दोस्त चाहते हैं कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं। जाओ, तुम सब आजाद हो, लेकिन तुमने जो मुझे ये मार के गुस्ताखी की है ना, इसकी सजा तो बेटा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। चिद्दी बेटा, इस लड़की को जान से मार दो। नहीं चिद्दी, तू बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। चिद्दी नहीं, चिद्दी 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 चिद्दी, आओ मेरे आओ। रिंकी रिंकी रिंकी, अरे अगर इसकी और खुद की जान बचाना चाहते हो तो अब भी तुम्हारे पास मौका है। चिद्दी को मेरे साथ भेज दो। गुड्डू। हाँ भाई। सबकी जान खतरे में डालने से अच्छा है हम इसको भेज देते हैं। वेरी गुड। तो अब मेरे साथ मिलकर बोलो, हम अपने पूरे होशो हवास में, अपने पूरे होश और हवास में चिद्दी को संपूर्ण रूप से आपके हवाले करते हैं। वेरी गुड बेटा चिद्दी, चलो अब मैं तुम्हें आजादी देता हूं। आजाद कर मेरे दोस्त को, कर आजाद। गला काट लियो। ओए, इसके पैर पकड़।
आज मैं तुमको हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा और खुद बन जाऊंगा इस कायनात का राजा। बस अब जब मैं तुम्हें बोलूं तो एक एक करके अपना गला काट लेना, समझे? क्या कर रहा है? मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देख, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो ये तीनों अपनी गर्दन काट लेंगे। बस मुझे इन्हें एक बार बोलना है। छोड़ मुझे। अच्छा, इनकी और मेरी चिंता मत कर, तू बस अपनी चिंता कर कि तेरे साथ अब क्या होगा। गुड्डू, मेरा एक काम करेगा क्या? चिद्दी चिद्दी चिद्दी, तुम्हारे दोस्त चाहते हैं कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं। जाओ, तुम सब आजाद हो। सूरज ही छांव बनके साया ढाल बनके साथ ना छोड़े अकेला फौज जैसा वार ना। अच्छा, अब फटाफट से चलो यहाँ से निकलो। चलो 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 चलो, फटाफट चलो। एक मिनट, तुम घर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? जो तूने मेरे और मेरे दोस्तों के साथ किया है ना, उसकी सजा तो तुझे इसी जन्म में मिलेगी।